नमस्ते पेरेंट्स, मैं मधुमिता शाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं इस चैनल में जो टॉपिक डिस्कस करूंगी वो है ओरल मोटर एक्सरसाइज। आप कैसे कुछ टूल से बच्चे की ओरल मोटर एक्सरसाइज कराओगे घर में ही। मैं ओरल मोटर के ऊपर बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगी, और पहली वाली जो मेरी वीडियो है वो है ओरल मोटर टूल के साथ। आप लोगों को ओरल मोटर एक्सरसाइज बहुत ही पेशेंट के साथ कराना है और बहुत टाइम तक कराना है। पहले पहले अपने बच्चों को दिन में 2 टाइम दो, उसके बाद धीरे धीरे आप 1 टाइम भी कर सकते हो। ओरल मोटर की समस्या जिन जिन बच्चों को है वो सब बच्चे फूड को ठीक तरह से चिविंग नहीं कर सकेगा, उसके बाद ब्लोइंग नहीं आएगा, स्पिटिंग नहीं आएगा, सकिंग नहीं आएगा। ओरल मोटर वीक रहने से बच्चों को इतना सारा सेंसरी इशू माउथ में रहता है, इतना सारा पेन रहता है, इससे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी बहुत ही बढ़ जाती है। ये सारी एक्सरसाइज मैंने बहुत टाइम तक ऑक्यूपेशन थेरेपी सेंटर में जाके सीखी हूँ, क्योंकि मैं पहले पहले क्रिश को भी 2 टाइम एक्सरसाइज देती थी ओरल मोटर की। वाइब्रेशन ब्रश और चीवी ट्यूब तो देती ही थी, क्योंकि उसमें इतना सारा प्रॉब्लम था, वो भी फूड को ठीक तरह से चीविंग नहीं कर सकता था, ब्लोइंग नहीं आता था। पर ये सारे एक्टिविटी करने से उसका धीरे धीरे ये सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। पहली जो टूल मैं यूज़ कर रही हूँ वो है वाइब्रेशन ब्रश। वाइब्रेशन ब्रश एक बहुत ही बेनिफिशियल टूल है ओरल मोटर एक्सरसाइज के लिए। इस ब्रश की मसाज से 100 में से 50% समस्या ओरल की सॉल्व हो जाती है। पहले मैंने वाइब्रेशन ब्रश को क्रिश के टीथ के ऊपर मसाज दे रही हूँ। टीथ के ऊपर हल्का हल्का करके दबा के उसमें वाइब्रेशन दे रही हूँ। वाइब्रेशन ब्रश मसाज से जो सब बच्चे पिकी ईटर है, फूड को ठीक तरह से चबा के नहीं खाते हैं, या फिर ब्लोइंग नहीं आता बच्चे को, स्पिटिंग नहीं आता बच्चे को, प्यूक करना नहीं आता, बच्चे हमेशा मुँह में कुछ लेते रहते हैं ऑब्जेक्ट को, ये सारी समस्या सॉल्व हो जाती है। बच्चों के टीथ के ऊपर दबा के राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट तक बच्चे को मसाज देना है। दिन में 2 टाइम बच्चे को पहले पहले देना है, उसके बाद बच्चे की इम्प्रूवमेंट के हिसाब से उसको धीरे धीरे आप कम कर सकते हो। वाइब्रेशन ब्रश से क्रिश की टांग में या फिर ऊपर चुवाल में भी मैं मसाज दे रही हूँ 1 से 20 टाइम करके। इसके बाद आपको धीरे धीरे ब्रश को अंदर से गालों में भी मसाज देना है 1 से 10 करके राइट में, और 1 से 10 करके लेफ्ट में धीरे धीरे मूवमेंट करना है। इससे बच्चे की मुंह में जो स्टीपनेस रहती है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है, और बच्चे की स्पीच में बहुत क्लैरिटी आती है। इसके बाद मैं वाइब्रेशन ब्रश से क्रिश की लिप के ऊपर मसाज दे रही हूँ। इससे जो सब बच्चे लिप में लगातार टच करते रहते हैं वो समस्या भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है। अब मैं वाइब्रेशन ब्रश को उल्टा करके क्रिश के लिप के बाहर मसाज दे रही हूँ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप सर्कल सर्कल भी कर सकते हो। आपको दिन में ये मसाज 2 टाइम कराना है। इससे बच्चे की मुंह में बहुत प्रेशर मिलता है, और बच्चे जो सेल्फ टॉक ज़्यादा करता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। मुँह में हमेशा कुछ ना कुछ साउंड निकलते रहते हैं, वो भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है। बच्चे की गाल की स्टीपनेस दूर होती है। बच्चे पहले पहले नहीं करने देगा, पर आपको पकड़ के ये मसाज 2 टाइम कराना है। आप ये ब्रश बहुत इजीली ऑनलाइन से परचेस कर सकते हो। के बाद में जो टूल यूज़ कर रही हूँ वो है चिबी ट्यूब। ये भी मैंने ऑनलाइन से खरीदी थी, क्योंकि क्रिश को पहले चिविंग नहीं आती थी। क्रिश हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट मुंह में रखता था, उसे मुंह में ऑब्जेक्ट रखना बहुत ही अच्छा लगता था। उसके बाद मेरे थेरेपिस्ट ने चिवी ट्यूब को लेने के लिए बोला था। चिवी ट्यूब मैसेज से बच्चे की टीथ में बहुत प्रेशर मिलता है, और बच्चे की टीथ की समस्या सॉल्व हो जाती है। चिवी ट्यूब एक्सरसाइज से बच्चे की सेल्फ टॉक बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि पहले जब क्रिश सेल्फ टॉक करता था तब मैं उसको चिवी ट्यूब पकड़ा देती थी और वो चिविंग करता था। उसके बाद जो टूल यूज़ कर रही हूँ वो है आइसक्रीम स्टिक। मैंने बच्चे को मुंह में आइसक्रीम स्टिक दे दिया है, और उसको बोला है उसको लिप के मदद से आइसक्रीम स्टिक को पकड़े रहना है, गिरने नहीं देना है। इस आइसक्रीम स्टिक पकड़े रहने से बच्चे की लिप में बहुत ही प्रेशर लगता है, और बच्चे की लिप की मसल स्ट्रांग होती है। पेरेंट्स, आपको पकड़े रहना है। इसके बाद मैंने क्रिश के मुंह में एक बड़ा सा चम्मच दे दिया है, और उसके ऊपर एक बिग बॉल रख दिया है। मैंने क्रिश को बोला है उसको
चम्मच को बैलेंस करना है और बॉल को गिरने नहीं देना है और अपने दांतों से उसे पकड़े रहना है। इससे बच्चे की टीथ की मसल स्ट्रांग होती है और बच्चे की ओरल मोटर समस्या सॉल्व होती है। पहले आप पकड़े रहो, उसके बाद धीरे धीरे करके आपको छोड़ना है चम्मच को। उसके बाद जो टूल यूज़ कर रही हूँ वो है ऑक्सीमीटर। ये एक्सरसाइज कृषको ऑक्यूपेशन थेरेपी सेंटर में कराते थे। बच्चों को मुंह के बल से हवा को खींच के बॉल को ऊपर उठाना है। इससे बच्चे की ओरल मोटर स्ट्रांग होती है, बच्चे की गालों की पेशी बहुत सॉफ्ट होती है, इससे बच्चे की स्पीच में क्लैरिटी आती है। आप ऑक्सीमीटर के बदले में ये टूल यूज़ कर सकते हो, ये किसी भी स्टेशनरी शॉप में आपको मिल जाएगा। सेम प्रोसेस से फिश को हवा को खींचने के लिए है बोली हूँ। इससे जो सब बच्चे को ब्लोइंग नहीं आता, स्पीटिंग नहीं आता और धीरे धीरे आ जाता है। उसके बाद जो टूल यूज़ कर रही वो है थेरेपी ब्रश। मैं थेरेपी ब्रश से क्रिस की ओरल में मैसेज दे रही हूँ क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। आप थेरेपी ब्रश के बदले में कोई भी सॉफ्ट ब्रश ले सकते हो। आप थेरेपी ब्रश से अगर बच्चे की ओरल में मैसेज दोगे सुबह शाम दो टाइम, तो बच्चे की बहुत सारी सेंसरी समस्या ओरल मोटर की सॉल्व हो जाती है। मैंने लगातार 3 साल की है और अभी भी कभी कभी कराती हूँ। आप लिप के ऊपर भी वाइब्रेशन ब्रश से मैसेज दे सकते हो और नेक में भी दे सकते हो। पेरेंट्स, अगर आपको ये सारी एक्सरसाइज अच्छी लगे तो अपने बच्चों के साथ घर में ज़रूर ट्राई कराओ। ये सारी एक्सरसाइज से बच्चे की बहुत फ़ायदा मिलता है, पर एक दिन में फ़ायदा नहीं मिलता है, बहुत टाइम तक कराने के बाद बच्चे की इम्प्रूवमेंट आती है।